हेलो, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कनक रसोई केयर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की सब्जी, कढ़ाही पनीर रेस्टोरेंट स्टाइल। तो उसके लिए कुछ तैयारी करके मैंने पहले से रखा है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा, क्या क्या उसमें यूज होगा, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कढ़ाही में 2 चम्मच खड़ा धनिया डालूंगी। कढ़ाई गर्म हो चुका है, उसके बाद इसमें 1 चम्मच जीरा, जीरा के बाद इसमें 5-6 सूखा लाल मिर्च तोड़ के डालूंगी और इसको थोड़ा हल्का रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का रोस्ट करना है। इसमें एक चीज़ और डालना है, ये काली मिर्च, काली मिर्च भी डाल के साथ में रोस्ट करना है। मैं पहले डालना भूल गई थी, इसको थोड़ा सा रोस्ट करके फिर मैं निकाल रही हूँ कढ़ाई से। मसाला भून चुका है, अब मैं इसको ट्रांसफर कर रही हूँ। मसालों को हम लोग खल में डाल के अच्छे से कूट के तैयार करेंगे, पीसना नहीं है इसको, इसको अच्छे से कूटना है। कढ़ाई पनीर का मसाला मेरा तैयार हो चुका है, इसको अच्छे से कूट ली हूँ मैं। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। ये मैंने पहले से कुछ तैयारी करके रखा हुआ है कढ़ाई पनीर बनाने के लिए। ये 2 टमाटर हैं जिनके बीज निकाल के बड़े बड़े पीस में मैंने काट लिया है। ये प्याज हैं जिनको बड़े बड़े पीस में काट के अलग अलग करके रखा है। शिमला मिर्च है, इनको भी बड़े बड़े पीस में काट के रखी। और ये फाइन चॉप किए हूँ प्याज, ये टमाटर फाइन चॉप कर करके, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये टमाटर प्यूरी है। और ये मेरा 400 ग्राम पनीर है, पनीर को काट के रखी हूँ। ये अदरक और हरी मिर्च, एक हरी मिर्च काट के रखी हूँ मैं। चलिए फिर कढ़ाई पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैं अब गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ। इसमें तेल डालूंगी। सबसे पहले मसाले तैयार होंगे इसके। तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैं 1 तेज पत्ता तोड़ के डाल दी हूँ। तेज पत्ता के बाद इसमें 2 दालचीनी के टुकड़े, 5-6 लौंग हैं डाल रही हूँ, 4 इलायची है, इसको कूट के डालूंगी मैं। सारे मसाले खड़े भून चुके हैं, अब इसमें सबसे पहले मैं प्याज डालूंगी। प्याज डाल के थोड़ा सा फ्राई करूंगी 1 मिनट तक, ज़्यादा देर नहीं। प्याज भुना चुका है, अब इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी अदरक लहसुन का, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है ये, इसको डाल के अच्छे से प्याज के साथ भूनना है। लहसुन अदरक का पेस्ट भुना चुका है, अब इसमें हम लोग डालेंगे मसाले। 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसका हम लोग घोल तैयार करेंगे। घोल तैयार करके तब डालेंगे। अब इसमें ये मैं मसाला डाल रही हूँ, डाल के अच्छे से इसको चलाना है। इसमें अब मैं डालूंगी 1 चम्मच, ये जो कढ़ाई पनीर मसाला तैयार करके मैंने रखा था कूट के, उसको डाल रही हूँ, डाल के भूनूंगी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कटा हुआ टमाटर, ये टमाटर को फाइन चॉप करके मैंने रखा था, इसको डाल के अच्छे से भूनना है। 1 मिनट भूनते हुए हो गया है, अब इसमें आगे मैं इसमें टमाटर प्यूरी डालूंगी। ये प्यूरी मैंने घर में तैयार करके रखा हुआ था, इसको मिक्स करके इसमें नमक पड़ेगा। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, मैं 1 चम्मच डाली हूँ नमक। नमक डाल के मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसको ढक के पकाना है। ढक्कन निकाल के देख रही हूँ, ये
अच्छे से इसको खोल के भूनना है। मसाला अच्छे से भुना चुका है, इसमें थोड़ा सा डालना है गरम पानी। गरम पानी डाल के इसको मिक्स करके थोड़ा सा एक मिनट के लिए ढक के इसको पकाना है। कड़ाही पनीर का मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब चलिए मैं गैस ऑफ कर रही हूँ और अगला तैयारी करते हैं। ये आगे के प्रोसेस के लिए मैंने फिर कड़ाही, सेम कड़ाही में मसाला निकाल के साफ करके इसको चढ़ाया है। इसमें मैं तेल डालूंगी, कड़ाही में तेल गर्म हो चुका है। सबसे पहले मैं इसमें शिमला मिर्च डालूंगी। शिमला मिर्च डाल के थोड़ा सा इसको एक दो मिनट के लिए फ्राई करूंगी। तो एक मिनट शिमला मिर्च भूनते हुए हो गया है। अब इसमें आगे मैं प्याज डालूंगी। प्याज को भी एक मिनट के लिए भूनूंगी। अब इसमें आगे मैं डालूंगी टमाटर। टमाटर को भी थोड़ा सा भूनूंगी। इसमें पड़ेगा ये अदरक का जूलियन काट के मैंने रखा है, उसको डालूंगी। उसके बाद एक हरी मिर्च है, मिक्स करूंगी सबको। इसमें अब पड़ेगा हाफ चम्मच हल्दी पाउडर और हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स किया जाएगा। उसके बाद एक चम्मच ये जो कड़ाही मसाला मैंने तैयार करके रखा था कूट के, उसको डालूंगी। डाल के सबको मिक्स करूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी जो पनीर काट के मैंने रखा था, उसको डाल के फिर अच्छे से सबको मिक्स करूंगी। अब इसमें नमक टेस्ट के हिसाब से पड़ेगा, नमक पहले भी मसाले में पड़ा है इसलिए टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। उसके बाद अच्छे से मिक्स करना है। ये सब मिक्स हो चुके हैं मसाले। अब इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा डाल के लोग इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी जो कढ़ाही मसाला तैयार करके रखा हुआ था, वो डाल के इसको और अच्छे से इसको मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब ये हमारा कढ़ाही पनीर रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार हो चुका है। इसमें थोड़ा सा अब मैं क्रीम डालूंगी। क्रीम डाल के इसको मिक्स करना है। इसमें क्रीम का टेस्ट बड़ा ही अच्छा लगता है, क्रीम डालना जरूरी होता है टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। मिक्स हो चुका है ये, और थोड़ा कसूरी मेथी डाल के इसको मिक्स कर देना है। मेरा कढ़ाही पनीर मसाला बनके तैयार है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें और आगे ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। देखिए कितना लजीज लग रहा है देखने में। मिलती हूँ किसी ऐसे ही अगले वीडियो में। आप घर पे जरूर बना के ये रेसिपी ट्राई करें, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत पसंद आएगा। बाय बाय।